बेबी कॉर्न, कैप्सिकम, अनियन, पनीर, क्या लगता है हम क्या बनाने वाले हैं? वेज जलफ्रेजी बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा। इसका फ्लेवर बहुत तीखा, हॉट और स्पाइसी होता है और इसे हम बहुत जल्दी बना लेते हैं, तो चलिए आइए हम बनाते हैं। वेलकम टू माय चैनल, तू भी बना लेगा हमें। इसमें करीब 1 टेबल स्पून हम ऑयल ले लेते हैं और हमें अपनी वेजीज को सॉटे करना है। हम थोड़ा सा जीरा डाल लेते हैं और अपनी सारी वेजीज इसमें डाल के उन्हें सॉटे कर लेंगे। ये करीब 1 कप हमारा लंबी लंबी कटी हुई गाजर है और 1 कप ही हमारी फ्रेंच बीन्स है, लंबी कटी हुई है सब, और 1 कप ही हमारा बेबी कॉर्न है, उनको भी हमने लंबा काटा हुआ है। ग्रेवी तैयार करने के लिए इसमें 2 टेबल स्पून हम ऑयल ले लेते हैं, इसे गर्म होने देते हैं। हम थोड़ा सा इसमें डालेंगे करीब 1/2 टीस्पून जीरा, हम इसमें डालेंगे करीब 8-10 कलियां लहसुन की, मैंने इन्हें काट लिए हैं महीन, और करीब 1 इंच मैंने जिंजर का लिया था पीस, उसके भी मैंने इसको लंबा लंबा ग्रेट कर लिया है। हमारा 1 बिग साइज का एक अनियन था, उसको हमने अच्छा सा ग्रेट कर लिया है और अब इसको हम भून लेंगे। प्याज को हमें उस स्टेज तक भूनना है जब वो थोड़ी सी पिंक हो जाए। अब हम इसमें डाल देते हैं कुछ अपने सूखे मसाले। हम डालते हैं इसमें थोड़ा सा हल्दी करीब 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून ही हम डालेंगे इसमें रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून हम डालेंगे धनिया पाउडर, 2 ये टमाटर हमने कुछ इस तरह से, हमारे 2 मीडियम साइज के टमाटर हैं जिनको हमने एक लाइक प्यूरी बना लिया है, इन्हें हमने ग्रेट किया हुआ है। अब हमें तब तक भूनना है जब तक ये ऑयल नहीं छोड़ देता। क्योंकि ये थोड़ा तीखा होता है तो हम इसमें कश्मीरी मिर्च भी डाल देंगे करीब 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून ही हम डालेंगे गरम मसाला, और इसको अच्छी तरह से और भून लें जब तक ये ऑयल नहीं छोड़ दे। इस मसाले को हम स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं और जब कभी भी हमें बनाना हो तो हम अपनी वेजीज काट के कभी भी हम जलफ्रेजी बना सकते हैं। ये हमारी वेजीज सौते हो गई हैं। अब हम इसमें करीब 1 कप शिमला मिर्च और 1 बड़ी प्याज है, उसको भी हमने लंबा लंबा काटा हुआ है, इसे डाल के कुछ 5 से 7 मिनट हम इसको थोड़ा सा सौते होने देंगे, फिर हम अपनी ग्रेवी तैयार की हुई इसमें डाल देंगे। हमारी वेजीज सारी सौते हो गई हैं। हमने भी इसका जलफ्रेजी का तैयार किया हुआ है मसाला, वो हम इसमें डाल देंगे और कुछ 1 गिलास के करीब पानी डाल देंगे। गैस हमने मीडियम पे रखी है। करीब 200 ग्राम पनीर है जिसको भी हमने लंबा काटा हुआ है, वो भी हम इसमें डाल देंगे। करीब 2 टीस्पून हम इसमें सॉल्ट डाल देते हैं और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। क्योंकि ये काफी स्पाइसी होता है तो इसमें 1 टीस्पून हमने शुगर रखी है इसको बैलेंस करने के लिए। गैस को हमने लो कर दिया है और हम इसको कुछ 5 से 7 मिनट के लिए ढककर पका देंगे। करीब 5 से 7 मिनट तक हमने इसको लो मीडियम फ्लेम पे रखा था और इसकी वेजीज ने ग्रेवी को एब्जॉर्ब कर लिया है, तो अब हम इसमें कुछ कसूरी मेथी क्रश करके डाल देंगे और हम इसे ये सर्व के लिए तैयार है।
आइए हम इसकी प्लेटिंग कर ले। काफी अच्छी स्मेल आ रही है इसमें और खाने में भी उतनी ही टेस्टी होगी। हम इसमें थोड़ी सी क्रीम डेकोरेशन के लिए डाल देते हैं और कुछ ग्रेट किया हुआ पनीर। थोड़ा सा धनिया। तो तैयार है हमारी वेज जलफ्रेजी। तो आप इसे पूड़ी, पराठे, रोटी किसी से भी खा सकते हैं। तो कैसा लगा मेरा ये वीडियो, आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगले वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ। नमस्कार।